नमस्कार। अभी हम लोग समस्तीपुर लोकसभा के क्षेत्र में खड़े हैं और मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है जो अपना परिचय खुद देंगे और कहा जाए तो ये भावी प्रत्याशी भी है, लोकसभा का चुनाव भी लड़ने की कोशिश में है, इच्छा कर रहा है इनका। आज उसी बारे में हम लोग जानकारी लेने इनके पास आए हैं। जो क्या सर, आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव का कैंडिडेट है कि नहीं, और है तो किस दल से लड़िएगा या फिर निर्दलीय लड़िएगा, इस चीज की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ है। सर मेरे चैनल में आपकी स्वागत है, आप अपना परिचय दे दीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो इस चैनल के एडिटर एवं संपादक को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही साथ समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाता मालिकों को नव वर्ष की हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं जीवछ हजारी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव लड़ा था। अब हम लोग समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं, बहुत जोरों शोरों से इसकी तैयारी हो रही है और हम लोग चुनाव मैदान में 2024 लोकसभा चुनाव में आएंगे। सर कोई पार्टी से आप आ रहे हैं या क्या निर्दलीय आ रहे हैं? ये अभी तय नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी दो दल हैं, एक राष्ट्रीय दल है जो हमसे संपर्क में है और एक क्षेत्रीय दल है वो भी हमसे संपर्क में है। अभी दोनों में से किसी को तय नहीं किए हैं जो किस दल से मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, लेकिन ये तो निश्चित है जो चुनाव लड़ना है। हाँ, ये निश्चित है जो समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से हम अपना उम्मीदवारी देंगे, क्योंकि हम लोग नेता विहीन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आज कोई भी समस्या हो जाए तो यहाँ ऐसा कोई होनेस्ट लीडर नहीं है जो उस समस्या को समाधान कर सके। ऐसा नहीं लग रहा है सर, जो आपका क्षेत्र जो है ये काफी पिछड़ा क्षेत्र है और इसमें कोई अच्छा एक नेता होना चाहिए जो क्षेत्र का विकास जी करे। जी, आजादी से लेकर अभी तक ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से भी और जानकारी भी ले सकते हैं। जो आजादी के 75-77 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज हम लोग पीछे हैं। तो क्या विचार आया आपको जो इसके लिए जो चुनाव में? ये सिस्टम का दोष है और ना जाने उस कुर्सी पर क्या रखा हुआ है, जो नॉमिनेट होकर के पार्लियामेंट पहुंचते हैं वो वहीं पैक हो जाते हैं, जनता की समस्या पर अवगत खड़ा नहीं हो पाता है। सर देखिए, मुझे तो नहीं ये करना चाहिए, इस चीज का जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन एक चीज आपसे हम पूछना चाहते हैं। आपका इस कुशेश्वर स्थान में घर है आपका? जी। अभी तक आप कितना बार सांसद से मिले हैं, इस क्षेत्र की सांसद से? जब से वह जीत के गया है तब से लेकर के आज तक हम तो एक बार भी नहीं देखे हैं। अब जैसे कोई छठ दीपावली महापर्व होता है ना, तो साल में एक बार जो आता है, बस उसी प्रकार से यहाँ का नेता भी है, जब भी छठ दिवाली ईद आएगा तो एक बार टपक जाएगा फिर पैक हो जाएगा। अच्छा, नेता के लिए तो छठ दिवाली ईद इलेक्शन ही होता है? जी, उसी समय आता है वोट मांगने? जी जी, उसी समय आता है वोट मांगने के लिए, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। आज तक कहीं पे एक ईंट भी गड़ा है उनके नाम से? आज तक 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत, हमने तो आज तक कुशेश्वर विधानसभा में एक ईंट भी नहीं देखे हैं गाड़ते हुए। बाद बाकी 5 विधानसभा तो अभी और बाकी ही है। तो इस बार क्या आप लोग करना चाहते हैं इस चुनाव में जो आ रहा है, सामने चुनाव आ रही है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह पब्लिक का कहना है। जो हम अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोगों को इस जगह जरूरत नहीं है, जो इस क्षेत्र के जनता के समस्याओं को जो समाधान करते आ रहे हैं उनको वोट देंगे। जी, बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जीवा जी थे और जो भी जानकारी दिए। आप लोग लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जो क्या ये सही है, इनका चुनाव लड़ना उचित है या नहीं, क्योंकि क्षेत्र में विकास चाहिए और विकास के लिए तभी होगा जब तक क्षेत्रीय नेता ना होगा। अगर कोई दिल्ली पंजाब हरियाणा कलकत्ता से घूम के आके बोलेगा हम चुनाव लड़ेंगे, हम यहाँ का सांसद बन जाएंगे, तो वो तो इसी तरह का करेंगे।
जो हमारा क्षेत्र है ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा जो है समस्तीपुर लोकसभा में, ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र ये तो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे आपको कहीं जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, क्या सर ये सही है? यार सही बात है, आप जो पेरा ढोंग से पैदा होकर के जो नेता बनेगा वो गरीब गुरबा का और इस क्षेत्र का बदहाली कैसे उसको पता चलेगा, नहीं चल सकता है, चूंकि वो पेरा ढोंग से ही पैदा होकर राजनीति में आया है, और जो इस क्षेत्र में संघर्ष करके उस जगह पे पहुंचेंगे वही लोग विकास कर पाएंगे, अन्यथा विकास का कोई सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, फिर हम मिलेंगे अगले न्यूज में और फिर बताएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अब हम लोग का कैंपेन जारी रहेगा बराबर, नए नए प्रत्याशी मिलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे, नए नए लोगों से नई नई तरह की बात होगी, नया